गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो शादी वादी सब निपट गई है और अब हम लोग घर आ चुके हैं, रेस्ट वेस्ट हो चुका है। अभी सुबह मॉर्निंग का टाइम है अभी प्रॉपर। अभी कौवा बोल रहा है और मैं भी उठ गया हूँ। नाश्ता वास्ता हो चुका है हमारा भी, मेरी भी कल ही गाड़ी है, कल मेरे को भी जाना है वापसी। तो अभी आज का जो पूरा दिन का जो प्लान है कि मैं जो भी गांव में ना घूमूंगा आज, गांव में क्या है क्या नहीं है, इसलिए मैं यहां पर फर्स्ट टाइम आया हूं। तो यहीं हुई थी शादी, यहां पे टेंट लगा था, ये मंडप था, मतलब इसमें वो होता है जनेऊ होता है, उसी समय क्या था ये अब ये वाला घर था। ये दूल्हे के भाई जा रहे हैं कि मजा ले, हाँ कोनो होता ही मजा अलग ही नहीं अलग गांव में अलग। ये घर है ये पूरा, मतलब जो शादी जिसका जहाँ पे था शादी है उनका ही घर है ये पूरा प्रॉपर, मतलब हमारा ही घर है ये। ये गांव है और अभी हम जाएंगे अंदर गांव के अंदर, तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये गाय वाय भैंस है दादा, ये उसका पेड़ है आंवला का, इसमें उगा हुआ अभी बहुत सारा है। ये आंवला का पेड़ है तो उसमें कितना सारा हुआ है, मैं दिखाता हूँ मेरे को। देखो बहुत सारा हुआ पड़ा, बहुत सारा। ये जो ये है ये मेरे बड़े दादाजी हैं, मतलब मेरे पापा के मामा जी यही हैं, यही रहते हैं ज़्यादातर। ये गांव है पूरा, देख सकते हैं पूरा, मतलब अभी तो सुबह सुबह है ना इसलिए ज़्यादा लोग दिखाई नहीं देते, दोपहर में ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं। ये आपको उसका पेड़ है, आई थिंक चना वना कोई होता है उसी का, ये राहर के दार पता नहीं कौन सा उसी का है। ये गांव की हैं सब लोग पूरा आगे, मतलब बहुत लंबा गांव है ये आगे से। ये बांस का पूरा वो होता है, मतलब क्या मुझे नहीं पता क्या बोला जाता है इसको, गांव घर में बोलते हैं छोटा, कह सकते हो कि बाग, बांस का पूरा बाग है ये। और ये पूरा खेत है उधर, पूरा उधर। ये हमारे साथ भाई कल गए थे शादी में और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर गांव में आने के बाद। ये जंगल सा भी लग रहा है मेरे को, देखिए ऐसे भैंस तो देखे होंगे आपने बहुत सारी, लेकिन गाँव की ना एक अलग ही होती है वो। देखिए बकरी का बच्चा, वहीं चल रहे हैं हम लोग, चलो वहीं चलते हैं हम लोग, वहीं चलते हैं। ये देखिए ये यहाँ पे गाय वाय रहती है, ये पुआर वार सबने इसको बाहर निकाल दिया था रात में सूखने के लिए, क्योंकि रात में वो लोग सोते हैं ना जानवर, तो उसमें टॉयलेट वॉलेट। ये देखिए हाय हाय, अरे 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 अरे, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अरे क्या चिल्ला रहा है, ये तो चिल्ला रहा है, देख कितना अच्छा लग रहा है ये बकरी का बच्चा। तो ये था हमारा पूरा गांव, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी अंदर पूरे पूरा जंगल सा है, मैंने तो रात में इसमें एक से एक आवाज़ आती है जानवरों की भी, पूरा जंगल है ये। अंदर मैं नहीं जा रहा, मुझे अच्छा नहीं लगता अकेले अकेले जाना, मुझे बहुत बेकार लगता है। ये पूरा राहर, आई थिंक राहर का दाल का ये पूरा पेड़, मुझे कन्फर्म तो नहीं, लेकिन हाँ वही है, आई एम नॉट श्योर बट आई विल कन्फर्म नाउ। ये सब आम के पेड़, गांव में तो आम का पेड़ आपको नॉर्मल है, हर घर में मतलब आम का पेड़ आपको दिखाई देगा, कन्फर्म है ये तो, कन्फर्म है। ये देख कितना अच्छा लग रहा है, खेत वेत सब प्रॉपर। कभी कभी मैं कहता यहीं रहो, लेकिन नहीं, यहाँ भी रहना उतना सही नहीं है। कभी कभी आओ, दो साल तीन साल पे एक बार आओ तो अच्छा लगता है आपको। ये आ गए हैं हम बगीचा में, इसको यहाँ पूरा खाली बांस का है, मतलब जितने भी पेड़ सब है ना खाली बांस का पेड़ है, और भी पेड़ है दो तीन को। यहाँ पे ये आम का पेड़ है, यहाँ पे आगे कटहल का पेड़ है, ये आम का खाली बांस का है। बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एकदम फ्रेशनेस बहुत, मतलब एकदम क्या बताऊँ आपको मैं। हाँ अभी तो बस अभी यही है फिलहाल के लिए, तो बांस, खाली बांस, खाली आम अभी तो नहीं, लेकिन दादाजी बता रहे थे कि जब आम के सीज़न होता है ना, यहाँ इतने आम होते हैं, इतने आम होते हैं क्या बोलूँ आपको,
कभी टाइम मिला तो गर्मी वाले दिन में आएंगे जब आम का सीजन होता है। अभी तो बस यही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रात की शादी भी एकदम बहुत फैंटास्टिक रही। वीडियो इसलिए अपलोड नहीं हो पा रहा, यहाँ पर ना नेट ही नहीं चलता है। मैं वीडियो तो पूरी मतलब पता है दो वीडियो ना पूरी बनी बन चुकी, पूरी एडिटिंग हो चुकी है, बस नेट ही नहीं है। एक तो मैंने डाल रखा है वो प्रोसेसिंग में जा रहा है अभी, और दो मेरे पास ऑलरेडी एडिटिंग हो चुकी है, ये तीसरी बन रही है। मुझे लग रहा था मैं नोएडा आऊँगा ना तभी मुझे लग रहा तभी हो पाएगा वीडियो, यहाँ पर नेट इतना गंदा चल रहा है, क्या बोलूँ आप लोग को। बहुत बहुत अंदर बहुत लंबा है ये बगीचा, अंदर अकेला जाना सही नहीं है, इसलिए हम बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। ऐसे दिखा तो दिया ही मैंने आपको क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो मैं घर जा रहा हूँ, नहा धो लेता हूँ, नहा धोने के बाद मैं मिलता हूँ आपसे। तो रेडी वेडी हो गए, खाना पीना हो चुका है अभी मेरा, मैं अभी दाल चावल दो प्रकार की सब्जी खाया हूँ, और अब थोड़ा टहलने के निकला हूँ। एक गांव है मतलब बीच इसमें रोड पे, तो अभी मैं निकला हूँ। ये मतलब इधर इसको पता है जंगल कहोगे बगीचा कहोगे वो आपकी इच्छा है, लेकिन यहाँ पे तो लोग बाग इसको बगीचा कहता है। और ये पूरा आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, ये भी आम का पेड़ है, और ये पूरा चारों तरफ खेत। ये बच्चा एक है इधर आ रहा है, चलो इससे बातें करते हैं, चलो आ जाओ। और भाई क्या नाम है आपका? पप्पू। कहाँ रही था? हाँ घर है। पढ़ाई था? हाँ। कौन क्लास में पढ़ाई था? छठा में। अच्छा, हमारा एक तो पोएम सुना के बताता, पोएम सुनाता ना आवे छे तोरा? हाँ दू का पहाड़ा आवे छे तोरा ना? कथी कहे छे तू? कथी करे छे? हाँ कहे खाते कथी करब एक तो बकरी के एने लेके आवे के ना तोरा एने ना आवे छो बकरी? हम कथी हमरा चिन्ह छे तू ना? लड़का मुझे नहीं पहचानता है, मैं भी इसको नहीं पहचानता हूँ, लेकिन लड़का अपना अभी ये बकरी के लिए कथी कही छे क्या रे? दूधिया। एकर पता खाई छे बकरी ना? चल ला। तो वो अपनी बकरी मतलब गांव घर में क्या होता है ना, लोग बाग ना ज़्यादातर बकरी भैंस से पालते हैं, तो उसने अपनी बकरी के लिए मतलब वो दूधिया का जो पेड़ का जो पत्ता है वो ले जा रहा है। अच्छा मुझे ना एक चीज़ दिखाई दिया, ये आप लोग देखेंगे आई थिंक, पता नहीं आप लोग जानते नहीं, इसको मचान कहते हैं, मचान। हाँ भाई मचान कहते हैं इसको। हाँ बहुत दिनों बाद ये मचान शायद देखा है नहीं। चलो इस पे बैठ लेते हैं, मजबूत है कि नहीं? मजबूत तो काफ़ी होगा नहीं? हाँ मजबूत तो काफ़ी होगा इस पे। मस्त है, अच्छा सा एक नंबर। ज़्यादातर लोग तो यहीं पे आके बैठ के आराम करते होंगे ना? ये मस्त है एकदम, अच्छे से प्रॉपर है। ये देखो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब 90% ना आपको आम का ही पेड़ दिखाई देगा। ये है हमारे दूल्हे के भाई। हाँ के केना है? ठीक है खाना पीना हो गया? कथी खेला? चावल दाल सब्जी। अच्छा ये दूल्हे के भाई थे, अभी इन्होंने खाना पीना खा लिया है, और हम दोनों ही ये जो मचान है इस पे बैठेंगे अब थोड़ा देर। अच्छा ये खेत है, ये खेत है कि मतलब केहन जमीन है? सब जंगल है ये। जंगल कि कोई जमीन में ना है? ये सब पेड़ वेड़ सब के कर है मतलब अपने आप उग गए है कि का थी? अपने आप तो आई में इस आम के पेड़ सब में आम उम उगाई छे कि ना? उगाई छे। तो के सब खाई छे गांव के लोग बाग ना? तो ये ना मतलब जंगली है प्रॉपर, अब मैं कंफर्म हूँ ये प्रॉपर एक जंगली है। मतलब मैं सोच रहा था कि खेत उत होगा किसी का, लेकिन नहीं ये प्रॉपर एक जंगली है। अच्छा इसमें जानवर पाम जानवर वानवर सब तो अभी तो रहता है?
इसमें जानवर वानवर सब जो है ना वो आते रहते हैं। ये यहाँ मैंने ये देखिए नीम का पेड़ देखा मैंने बहुत, मतलब गांव घर में नीम का पेड़ ना मैं बहुत कम देखता हूँ, ज़्यादातर आम का कटहल का ये। अच्छा सुनो ना, अपने घर के पीछा में वो जो निमारी है नींबू वो पकल है। अच्छा मैं अपना अपने घर के पीछे ना मैं आपको दिखाऊंगा कभी कही चो आम को नींबू कही से ना एक एक हो बड़ कथी कही गागर नींबू वो गागर नींबू ना है गागर नींबू है खा सके हम सब हाँ। तो मैं अभी उधर चलूंगा, मतलब वो जो मैं आपको पेड़ दिखा रहा था वो गागर नींबू का पेड़ है जो छठ वट में ना उस छठ वट में काम ना होता है होकर हाँ, तो उससे पर काम होता है छठ वट में पूजा में। तो अभी चलेंगे उधर तो उसको तोड़ के ना खाएंगे। अगर पकल है कि ना पकल है पकल है लेकिन वो ठंडे में नहीं खाया जाए तबियत खराब के चांस कौन ना एगो आई मीन एक आप लोग के लिए मैं तोड़े खाऊंगा देखते हैं उसको। और ये हमारा मतलब प्रॉपर गांव है और इस गांव में आज मेरा लास्ट दिन है क्योंकि कल मेरी सुबह की ट्रेन है 11 o'clock तो मैं यहाँ से निकलूँगा 7-8 बजे। तो आज का जो भी दिन रहेगा मैं पूरा दिन गांव में व्यतीत करूँगा मैं एक्सपेंड करूँगा मैं। और यहाँ पे ना मतलब हवा व्यार इतना अच्छा लगता है जैसे देखिए अभी उस सब देख रहे हो खाली धूप है देखिए खाली धूप उधर लेकिन इधर देखेंगे आप लोग देखिए एकदम छाँव मतलब काफ़ी अच्छा लगता है एकदम ऊपर चारों तरफ पेड़ और आराम से ये मचान इस पर बैठो इस पर कितने लोग भी बैठ जाओगे ना तो भी नहीं टूटेगा आराम से बहुत मजबूत होता है बहुत। और बस अब यही है अभी तक और हम लोग गांव भी घूमे थे हम लोगों ने मैं आपको दिखाया मैंने तो ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है मतलब देखिए बड़ा गांव क्या कहते कि लोग हो तो एक आई गाँव मेरा गाँव में लगभग 2000 लोग होते ना 2000 लोग है इस गांव में लगभग में। तो ज़्यादा बड़ा गांव भी नहीं है और ना ज़्यादा छोटा गांव है एवरेज है। ये पूरा जंगल वंगल है अभी तो हो सकेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर बीच में अंदर हम सब जा सके जी हाँ चलो ना इधर चलो चलो जंगल है ना तो अभी अंदर ना काफ़ी घना जंगल सा है तो जाना उतना सही नहीं है तो देखते हैं अगर और भी कहीं जाएंगे तो हम बता देंगे आपको। तो अभी तो फिलहाल यही है मतलब अभी के जो सीन है अभी खाना पीना खा के आराम करने के लिए ये मचान का हमने देखा है अब इसी पे हम लोग लेटेंगे थोड़ा देर। ये देखिए सरसों का खेती है ये पूरा आलू का है पूरे मतलब ये जो है ना ये आलू का पेड़ है पूरा। और हम दोनों भाई निकले हैं ये मेरी बुआ का बेटा है और हम दोनों भाई निकले हैं टहलने गाँव में और ये सब हम टहल रहे हैं धीरे धीरे प्रॉपर हवा कितनी अच्छी चल रही है। ये देखिए पपीता कितना सारा पपीता है इसमें देखे देखिए बहुत सारा पपीता का पेड़ है। ए बाप रे पूरा लदा हुआ है नीचे तक लदा हुआ है देखो पूरा। ये देखो कुम्हार इसको बोले इसका जो हम लोग पेड़ वो खाते ना पेठा वो इसी का होता है। आजा बाबू रे आ ये कुत्ता तुझे देख के भाग रहा है देख 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 भाग रहा है देख देख। ये बांस का पेड़ सब है यहाँ पे बहुत चलो पूरा दूर दूर तक खाली किए थी। यहाँ देखें सब में भी धान लगा होगा तो दोनों हम दोनों भाई इंजॉयमेंट कर रहे हैं। मज़ा आ रहा है तेरे को हाँ नहीं आ रहा है इसको मज़ा ही नहीं आ रहा है क्या क्या करेगा तू बता क्या क्या चाहिए तेरे को ए क्या चाहिए बता पापा के पास जाएगा पापा के पास जाएगा इसके पापा चले गए हैं थोड़ा बाहर। देख इतना खाली पुआर का ढेर लगा हुआ है खाली पुआर का ढेर सब जंगल सब झाड़ सब है चले वापसी चले चलो चलते हैं हम लोग। क्या हुआ बता कहाँ चलेगा हाँ पापा के पास अच्छा चलते हैं रुक जा पीछे उसका पेड़ है ये पता नहीं क्या कहा जाता है मुझे पता याद भी नहीं आ रहा है कि कितना सारा देखो फल इसको भी चलते हैं इसको तोड़ते हैं और इसको खाते हैं रुक जाओ आ रही इसको मैंने बुलाया है भी
वो आते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं और इसको फिर खाते हैं। बहुत सारे इसको गाढ़ नींबू कहा जाता है। ये घर के पीछे का सीन है, ये तिलकोर का पत्ता है, ये जो लड़ी बेल सी गई है ना, वो तिलकोर का पत्ता है। यहाँ पे भी है, इसकी ना पकौड़ी बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए, ये है उसका अरबी का पेड़, बहुत सारा यहाँ पे अरबी का पेड़, ये आम का पेड़, कौवा सब बैठा हुआ है। यहाँ पे भी खाना बन रहा है, खाना मतलब कि कौन आया है, एक सेकंड देखते हैं। चलो, खाना बन रहा है यहाँ पे, ये साना जा रहा है, ये बूंदी और वो खाजा बनाया जा रहा है अभी। आना तो ही छो, हाँ चलते हैं। उसको क्या कहा जाता है, उसको नींबू। चलो उसको तोड़ते हैं, फिर बताते हैं कैसा टेस्ट है उसका। बताओ यार, इसमें कहाँ है, इसमें से यार इतना ऊँचे में जाऊंगा भी नहीं। हे ये तो टूट ही नहीं रहा, ये तो कहाँ का, यहाँ भी यहाँ तो और टूट जाएगा मेरे से। चढ़ तो गया हूँ, ये रहा हाथ में, आजा बेटा, टूट गया। चलते हैं इसको खाते हैं, कैसा टेस्ट इसका जा रहा है। अभी कट रहा है, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है, क्या इसमें वो स्मेल वाली भी एक ऑर्गन होता, ताकि मैं अपनी यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए आज क्या टेस्ट है इसका। क्या मस्त लग रहा है यार, खट्टा है, मस्त है, एक नंबर। आना खबीर, आ जा, ओए छोटा आ जा, काटते हैं, सिखाते हैं इसको। ये भी इसको छील दिया हम लोगों ने पूरा, ये ऐसा इसका निकल गया पूरा, देखिए कितना मोटा मोटा लेयर है इसमें, अभी पूरा प्रॉपर छील रहा है। बिल्कुल भी नहीं नेटवर्क है यहाँ पे, जियो का है, बिल्कुल भी, एक टावर नहीं है यहाँ पर। ये है अपना घर और ये पूरा अपने खेत है, मतलब ये देख पूरा गांव, ये जंगल है, मतलब इधर ये पूरा जंगल है, इधर पूरा ये ना, ये पूरा अंदर अंदर पूरा जंगल है, मतलब खेत वेत नहीं, अंदर कोई जाता भी नहीं है। इसमें जानवर वानवर भी रहते हैं, जंगली सूगर, कुत्ते और लोमड़ी, ये सब रहते हैं, नील गाय, ये सब देख।